हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 9, यानी कि क्या हमें 2022 में प्रो कबड्डी देखने के लिए मिलेगा या नहीं। तो इसी के बारे में पूरे डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और लगभग मैंने इस चैनल पर 3 या 4 मंथ से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी कबड्डी के रिलेटेड में, तो मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँ। वो मैं कुछ रीज़न के वजह से 3-4 मंथ से वीडियोस नहीं ला पाया था, लेकिन अब मैं हमेशा कोशिश करूंगा वीडियोस लाने के लिए। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जिस टॉपिक पर भी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पर लाने वाला हूँ। तो जाइए और कमेंट करिए। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमेशा कमेंट में और साथ ही में इंस्टा पर मुझे DM भी करते रहते थे और पूछते रहते थे क्या प्रो कबड्डी हमें इस साल देखने के लिए मिलेगा, और देखने के लिए मिलेगा तो कब देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस साल हमें पक्का प्रो कबड्डी देखने के लिए मिलेगा। तो आखिर कब देखने के लिए मिलेगा प्रो कबड्डी? वैसे ज़्यादातर तो हमें प्रो कबड्डी जून या जुलाई में देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस बार नहीं लग रहा है कि हमें जून या जुलाई में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अप्रैल मंथ स्टार्ट हो चुका है और अभी तक कोई अता पता नहीं है प्रो कबड्डी का ऑक्शन को लेकर, या फिर कोई भी अपडेट नहीं आया। वैसे मैंने पता करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ अपडेट कहीं से भी मुझे नहीं मिला। और आप लोग मान सकते हैं कि अब हमें प्रो कबड्डी जून या जुलाई में देखने के लिए नहीं मिलेगा, इतना तो मैं आपको कन्फर्म बोल सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एशियन गेम का डेट भी हमारे सामने आ चुका है, जो कि हमें सितंबर में देखने के लिए मिलेगा। और इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं और साथ में कबड्डी भी हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर प्रो कबड्डी अभी स्टार्ट होता है यानी कि जून या जुलाई में, तो इसमें जो जो प्लेयर खेलते हैं प्रो कबड्डी में, उसमें से बहुत सारे प्लेयर इसमें भी जाते हैं खेलने के लिए साउथ एशियन गेम में। ईरान हो गया, इंडिया के भी टीम रहती है और भी बहुत सारे टीम रहते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए अगर यहाँ अगर साउथ एशियन गेम स्टार्ट हो जाता है तो सभी प्लेयर चल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए 1 मंथ पहले, यानी कि अगर जुलाई में प्रो कबड्डी स्टार्ट होता है तो फिर अगस्त मंथ से तो वो प्लेयर सब ट्रेनिंग में ही चले जाएँ। तो यहाँ पर जून या जुलाई में तो प्रो कबड्डी होना पॉसिबल नहीं है। अगर पहले होता, अगर जून में स्टार्ट होता तो शायद हमें देखने के लिए मिल सकता था प्रो कबड्डी, लेकिन अब जून में भी होने का कोई चांस नहीं है। तो अब आगे की डेट की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि 10 सितंबर से तो एशियन गेम स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें सभी प्लेयर बिजी हो जाएंगे वहाँ का ट्रेनिंग में उससे 1 मंथ पहले। तो अगस्त सितंबर तो चला जाएगा एशियन गेम में। और बात करें नवंबर अक्टूबर नवंबर की, तो अक्टूबर नवंबर में तो हमें T20 वर्ल्ड कप देखने के लिए मिलेगा, तो हमें अक्टूबर नवंबर में भी तो प्रो कबड्डी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स तो T20 को दिखाएगा। तो यहाँ पर प्रो कबड्डी होने का तो ना के बराबर चांस है। तो अब आगे की बात करें तो दिसंबर हमें फ्री मंथ दिखाई देता है, तो पिछले साल की तरह इस साल भी हमें प्रो कबड्डी दिसंबर में होते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि दिसंबर में इस बार हमें कोई बड़ा इवेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और साथ ही में जनवरी की बात करें तो जनवरी में भी हमें कोई बड़ा इवेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, और फरवरी में भी कोई बड़ा इवेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा अभी तक के हिसाब से। मैंने जहाँ तक पता किया तो मुझे पता लगा अभी ये 3 मंथ हमें खाली दिखाई देने वाला है, यहाँ पर कोई बड़ा इवेंट हमें दिखाई नहीं देने वाला। तो ये 3 मंथ में प्रो कबड्डी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। मुझे लगता है जैसे इसी 3 मंथ में होगा, जैसे हमें प्रो कबड्डी सीजन 8 देखने के लिए मिला था दिसंबर के मंथ में, वैसे ही इस बार हमें प्रो कबड्डी देखने के लिए मिलेगा फिर से सीजन 9 इसी मंथ में। और जुलाई और जून और जुलाई जुलाई में तो प्रो कबड्डी होने का बहुत ही कम चांस है मेरे हिसाब से, तो ना है। और आपको क्या लगता है कब होगा प्रो कबड्डी, ये तो मेरी राय है। मुझे लगता है दिसंबर में प्रो कबड्डी होगा, और इससे पहले तो प्रो कबड्डी होने का बहुत ही कम चांस है मेरे हिसाब से, तो इससे पहले प्रो कबड्डी नहीं होगा दिसंबर से पहले। यहाँ पर कोई भी विंडो हमें खाली नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जो विंडो हमें खाली दिखाई दे रहा था वहाँ पर तो अब पॉसिबल नहीं है होने का, जैसे कि जून और जुलाई में अब तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अब आप लोग मान सकते हैं कि अब दिसंबर में ही होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आप लोग कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जिस टॉपिक पर भी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा अगला वीडियो में उसी टॉपिक पर लाने वाला हूँ। तो जल्दी से जाइए और कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।